लेसन नंबर वन है हमारा कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। ये आइडिया गैरी वी का है और उसकी किताब में से मैंने पढ़ा था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट हम सब जानते हैं कि कंटेंट इज़ द किंग, इसके अंदर कोई शक नहीं है। कंटेंट की बहुत पावर है, कंटेंट की ही वजह से हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करें तो कंटेंट के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, किन लोगों के लिए पोस्ट कर रहे हैं, स्क्रीन का साइज़ क्या है, क्योंकि मोस्टली सोशल मीडिया मोबाइल के साइज़ पे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है। आपने कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर जहन में रखना है, वरना आपका कॉन्टेंट सक्सीड नहीं करेगा। इस बात को इस तरह समझें कि आज से कुछ अरसा पहले, 50 साल पहले लेट्स से, बहुत कम न्यूज़ चैनल होते थे। एक ही न्यूज़ चैनल होता था, एक PTV होता था और सारे लोग वही देखते थे। करोड़ों की आवाम थी, आबादी थी, चैनल एक था, लोग उसे ही देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता चैनल मज़ीद बढ़ गए, मज़ीद लोग आ गए बीच में, आधी आधी आबादी डिवाइड हो गई। ये सप्लाई और डिमांड है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, सप्लाई और डिमांड दुनिया में हर चीज़ में बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। पहले कंटेंट की सप्लाई बहुत थोड़ी थी, एक टीवी चैनल था, और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले थे। फिर टीवी चैनल्स बढ़ते गए, डिमांड कम होती गई, स्प्लिट हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आज इस दौर में हैं कि जितना कंटेंट एक साल में प्रोड्यूस होता था पहले, अब वो एक हफ्ते में प्रोड्यूस हो रहा है। हर बंदा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, हर ब्रांड सोशल मीडिया के ऊपर, इवन ब्रांड्स, इवन इंडिविजुअल्स, हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर दिन में 1 से 2 दफ़ा पोस्ट करता है, ब्रांड्स 3-3 दफ़ा भी पोस्ट करते हैं। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत थोड़ी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एक साल जितना कंटेंट एक हफ्ते में प्रोड्यूस हो रहा है और आगे जाके दिनों में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड तो उतनी है, आबादी तो उतनी है, वो तो नहीं बढ़ी। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जब तक आपका कंटेंट अल्टीमेट बेस्ट नहीं होगा और बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट को समझ के नहीं क्रिएट किया गया होगा कि कौन बंदा इस कंटेंट को, आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं वो उसका कंटेंट है, उसके ऊपर आपने जो लिखा वो उसका कंटेंट है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये बंदा फेसबुक पे देखेगा या इंस्टाग्राम पे देखेगा या यूट्यूब पे देखेगा या ट्विटर पे देखेगा या लिंक्डइन पे देखेगा, फिर वो कहाँ देखेगा एज़ वेल एज़ किस साइज़ में देखेगा, वो उसको डेस्कटॉप पे देख रहा है या मोबाइल पे देख रहा है, एज़ वेल एज़ इस वक्त दुनिया में ट्रेंडिंग बातें क्या चल रही हैं, क्या मेरा कंटेंट उस कॉन्टेक्स्ट को मैच कर रहा है। जैसे अभी लेटली औरत मार्च के बारे में बात हो रही थी, तो क्या आपका कंटेंट उसको मैच कर रहा है? क्या जश्न बहारा सारे लोग मना रहे हैं और सारे कहीं ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे हैं जश्न बहारा के, तो क्या आप जश्न बहारा पे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं? आपने कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर समझना है, वरना आपका कॉन्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट, ट्रिलियंस और बिलियंस के हिसाब से कॉन्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को समझ के बेहतरीन कॉन्टेंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, आपका कॉन्टेंट वर्क नहीं करे। एक इजी सी एग्जांपल इसको समझने के लिए देती हूँ कि जब मैं बचपन में अपने पेरेंट्स से पूछती कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, तो देट से अमिताभ बच्चन या समथिंग लाइक दैट, तो आई बी लाइक कि यार अमिताभ बच्चन में ऐसी क्या बात है? अगर आप उस ज़माने की अमिताभ बच्चन की वीडियोज़ उठा के मूवीज़ देखें तो लिटरली कोई बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टिंग नहीं है, लेकिन चूंकि उस वक्त कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था तो अमिताभ बच्चन ही सबका हीरो था। जैसे के किंग खान ने बहुत अरसा रूल किया बॉलीवुड के ऊपर, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं था। हमारे अपने अगर उस ज़माने के न्यूज़ एंकर्स या टी वी शोज़, मतलब शान वगैरह, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं कि हर दूसरा बंदा एक्टर है और हर दूसरा बंदा बहुत अच्छा एक्टर है। सोशल मीडिया के ऊपर छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे हैं कि हम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब कंटेंट दुनिया में ट्रेवल करता है। कंटेंट इंटरनेट की वजह से, 3G की वजह से, स्मार्टफोन्स की वजह से, किसी बंदे के पास कोई भी टैलेंट है तो सारी दुनिया में ग्लोबली वो अपना मैसेज पहुंचा सकता है। इसलिए अब कंपटीशन बहुत हाई है। जब तक आप अल्टीमेट बेस्ट नहीं देंगे, आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास अल्टीमेट बेस्ट, आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे में कमी है, तो आप उसको इम्प्रूव करें। एक पोस्ट को अगर आपको 100 दफ़ा भी देखना पड़े तो आप उसको देखें। अगर आपको 10 दफ़ा कंसिडर करना पड़े टेक्स्ट की रिविज़न, तो आप 10 दफ़ा करें, लेकिन ओनली पुट अल्टीमेट बेस्ट। गुजारे लाइक चीज़ें, खाना पूरी करने के लिए बिल्कुल भी पोस्ट मत करें।